आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। लीलाएं होती हैं इतिहास के लिए, लीलाएं रची जाती हैं ताकि लोग उसको देख करके गा गा करके पार उतर सकें, लेकिन लीला में इतने खो जाते हैं वो अवतार कि साधारण जीव तो क्या असाधारण भी नहीं समझ सकता। इतने खो जाते हैं कि सोच भी नहीं सकते। राम लटकाए हुए चेहरा उदास मुख से चारों तरफ निहार रहे, कभी पेड़ों को निहार रहे, कभी लक्ष्मण को निहार रहे, कभी पशु पक्षियों को निहार रहे, सबसे एक आस लगाए हुए पुकार रहे कि कहीं पता चले सीता का। सब कुछ जानते हुए भी कि वो कहाँ है, फिर भी पुकार रहे, क्योंकि उस समय इतना विरह लगा हुआ था अंदर में, इतनी आग जल रही थी कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था, कोई सोच ही नहीं पा रहा था। आप लोग सोचते होंगे, अगर हम होते तो क्या पता श्री राम को युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लेकिन ये जब समय आता है तो युद्ध तो करना ही होता है, क्योंकि ये समय परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि सब कुछ अपने अनुसार चलाता है वो विधाता, सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है, दूसरे के हाथ में कुछ भी नहीं छोड़ता, सब कुछ उसी से करवाता है जिससे उसे करवाना होता है। इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती चली गई, कितना विवेक होगा उनके अंदर, कितनी ताकत होगी, कितनी कलाएं होंगी, सब कुछ उनके अधीन था। उस युग के वो श्रेष्ठ महापुरुष थे, लेकिन विरह के अंदर इतने खो गए। आप सोचिए, विचार कीजिए, उन्हें सीता के अलावा कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था, बिल्कुल पागलों जैसा व्यवहार कर रहे थे, जंगलों से दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। क्या उन्हें किसी वस्तु की कमी थी? क्या संसार में उनके लिए किसी स्त्री की कमी थी? क्या संसार में उसके लिए इन चीजों की कमी थी? बिल्कुल भी नहीं, ये चीजों की कमी नहीं थी, सब कुछ हाजिर था उनके लिए, लेकिन जो तत्व था जिसके अंदर आत्मा समा गई थी, आत्मा एक हो गई थी, जब वो दूर हुआ तो इतना छटपटाने लगे, इतना तड़पने लगे। तभी यहाँ तक देखिए, शक्ति को भी भ्रम हो गया, शिव की शक्ति को, उन्हें भी भ्रम हो गया कि ये श्री राम नहीं हो सकते, ये तीनों लोकों के मालिक नहीं हो सकते, तीनों लोकों के मालिक इतने उदास कैसे हो सकते हैं, एक स्त्री के लिए इतने पागल कैसे हो सकते हैं। अगर ये तीनों लोकों के मालिक हैं तो क्या इन्हें पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस हालात में है, क्या चल रहा है उनके साथ, क्या इन्हें पता नहीं है? अगर इन्हें पता है तो फिर ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है, ये हो ही नहीं सकते। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु ये मुझे तीनों लोकों के मालिक नहीं लगते। संदेह पैदा हुआ, शंका पैदा हुई, मन के अंदर विचार पैदा हुआ, परीक्षा लेने तक उतर आए, एकदम से सीता का रूप धारण किया। बहुत समझाई महादेव ने, बहुत समझाई कि नहीं ऐसा मत करो, ये पूर्ण पुरुष हैं, ये स्वयं परमात्मा हैं, मत अटको, मत सोचो, मत विचार करो, मत संदेह करो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, चल पड़ी शक्ति परीक्षा के लिए। जो ही उन्होंने सीता का वेश धारण किया, सीता का रूप धारण किया और जंगल में उतर आई, जहाँ श्री राम जी गुजर रहे थे वहीं घूमने लगी और इधर उधर देखने लगी। श्री राम जी की नज़र उन पर पड़ी, वो समझ रही थी कि तुम्हें देख करके एकदम राम शांत हो जाएंगे, लिपट जाएंगे, सोचेंगे कि सीता मिल गई, लेकिन वहाँ नज़ारा दूसरा था, बिल्कुल बिल्कुल अलग नज़ारा था। श्री राम जी हाथ जोड़े खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि माते प्रभु नहीं आए आज आपके साथ, इतना कहना था, सब कुछ हिल गया, अंदर तक हिल गया, तार झंझोड़ दिए,
कि रूप किसका आत्मा किसकी, क्योंकि जो परमात्मा का प्रेम होता है, जो हरि का प्रेम होता है, वो आत्मा से लगाव होता है, वो शरीर का लगाव कम होता है, मन का लगाव भी कम होता है, जो अंदर से आत्मा का लगाव होता है वो अलग तरह का होता है, और आत्मा एकाकार हो जाती है। और जब आत्मा एकाकार होकर के दूर होती है, बहुत दूर से पहचान लिए जाते हैं,